वेलकम टू विन ऑनलाइन योर चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस केजी में मैथ्स uh, को हम आज देखेंगे और इस तरह प्री uh, स्कूल में कोर्स सब्जेक्ट सारे आज की वीडियो में कवर हो जाएंगे जस्ट वन मोर वीडियो फॉर द साइंस एंड सोशल स्टडीज़ एंड इस्लामियात इंटीग्रेटेड कैरिकुलम और उसके बाद प्री स्कूल के सारे सब्जेक्ट्स हमारे कवर हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ कॉन्सेप्ट और प्लानिंग हमने प्री स्कूल को कवर कर लिया है KG के के मैथ्स को देखते हैं KG के के मैथ्स में ज्यादा एक्सटेंशन है बाई एक्सटेंशन आई मीन के जो भी कॉन्सेप्ट आपने कराए हुए हैं जैसे साइज और शेप में आपने अगर टॉल एंड शॉर्ट कराया हुआ है लॉन्ग एंड शॉर्ट कराया हुआ हैवी एंड लाइट कराया हुआ है थिक एंड थिन कराया हुआ है उन सब की एक्सटेंशन होगी एक्सटेंशन का मतलब है कि कॉन्सेप्ट uh, को थोड़ा सा डिफिकल्ट करके अगले लेवल पर लाना है जैसे पहले अगर आप दो चीज़ों में कंपेरिजन करा के लॉन्ग एंड शॉर्ट करा रहे थे तो अब आप तीन चीज़ों में करा रहे हैं या चार चीज़ों में करा रहे हैं या पाँच चीजें देकर क्या कह रहे हैं कि इसको ऑर्डर में करो फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट तो उसी कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहे हैं बट कॉन्सेप्ट वही है इसी तरह क्वांटिटी का मोर और लेस का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी ये सारे एक्सटेंशन में जाएंगे नंबर कॉन्सेप्ट में काउंटिंग अब मैंने यहाँ भी देख इतना भी देखा है कि तीन तीन सौ चार चार सौ तक बच्चे ओरल काउंटिंग करते हैं जो कि मुझे नहीं समझ आती कि वो चलिए अगर बस ऐसे ही प्रैक्टिस करानी है तो ठीक है वरना उसका कोई खास मकसद मुझे नज़र नहीं आता लेकिन काउंटिंग बैकवर्ड्स काउंटिंग फॉरवर्ड पहले आपने वन से टेन तक कराई फिर ट्वेंटी तक कराई आप वन से फिफ्टी तक करा सकते हैं अगर आप ज़रूरी समझते हैं कि वो बैकवर्ड्स फिफ्टी से वन पे आएँ और वन से फिफ्टी तक करें इट्स अप टू यू यानी नंबर कॉन्सेप्ट की भी एक्सटेंशन है अच्छा मिसिंग नंबर्स में ये हो सकता है कि आपने वन से फिफ्टी तक नंबर्स दिए और उसमें पूरे वन से फिफ्टी तक में जगह जगह मिसिंग नंबर्स हैं तो ये उनके लिए अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया यानी उन्हें दो या तीन मिसिंग नंबर्स नहीं लिखने इससे ज्यादा लिखने हैं इसी तरह नंबर्स इन वर्ड्स जो है वन से टेन तक उन्हें आता है आप आराम से उसको वन से ट्वेंटी तक करा सकते हैं और इसके अलावा जो लफ्ज नाम है न, ना नंबर्स ना, के जैसे ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फी फिफ़्टी सिक्सटी सेवेंटी वो आपदा से भी करवा सकते हैं उसके स्पेलिंग्स भी आप प्रैक्टिस करा सकते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में भी एक्सटेंशन में वन से टेन तक या टेन से वन तक हुआ हुआ है आप उससे आगे लेकर जा सकते हैं और नंबर लाइन जो आपने सिंपल पहले करवाई थी अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि उसको आप किस तरह से माइनस करने के लिए प्लस करने के लिए और टेबल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं तो ये वो कॉन्सेप्ट हैं जिनकी एक्सटेंशन होगी यानी कॉन्सेप्ट वही हैं उन्होंने सीखे हुए हैं सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो आपने बढ़ाना है अब न्यू कॉन्सेप्ट में आपने क्या कराना है न्यू कॉन्सेप्ट में ऑर्डिनल्स आपने कराने हैं यानी वन टू थ्री फोर फाइव तो उन्हें आता है लेकिन अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यानी पोजिशनस के हवाले से वो इन नंबर्स को सीखेंगे और इसको प्रैक्टिकली कराना बहुत आसान है बच्चों को लाइन से खड़ा करना और उन्होंने कार्ड उठाया हो फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ और आप कहीं थर्ड बच्चा मेरी तरफ आए फोर्थ आए या क्लास से पूछें फोर्थ बच्चे का नाम क्या है फिफ्थ नंबर पर कौन खड़ा है तो आप उनको ऑर्डिनेंस सिखा रहे हैं उसके बाद मज़ेदार चीज़ यह है कि हम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स करवाना शुरू कर देते हैं बच्चों ने अभी मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो हम इसको ग्रुप्स के ज़रिए करवाते हैं यानी हम बताते हैं कि दो का एक ग्रुप जो है वो दो है लेकिन दो के दो ग्रुप जो हैं वो चार बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आप क्लास टू में जाकर कहीं सिखाते हैं बट टेबल्स जो हैं आप आराम से यहाँ सिखा सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये ड्रिल से सीखते हैं बच्चों ने ज़ुबानी याद करनी होती है और अगर आप ग्रुप के जरिए सिखाएंगे जो आगे मैं आपको बुक पर दिखाऊँगी तो आसान हो जाएगा बच्चों के लिए समझना नंबर लाइन के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि टेबल्स जैसे कि टू का टेबल आप देखिए आपने एक छोड़ के जंप करना है तो टू फिर उसके बाद फोर फिर उसके बाद सिक्स फिर उसके बाद एट तो ये फिजिकली बच्चे देख भी रहे हैं मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं भी है तो उन्हें जंप करके इसी तरह थ्री का भी आप करा सकते हैं टू और थ्री दोनों आप इसमें करा सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट uh, है इस के uh, जी में मैथ्स का वो है कंपोजिशन ऑफ नंबर्स यानी कि नंबर बनते कैसे हैं जैसे थ्री है हमारे पास तो थ्री कैसे बनता है देखिए टू प्लस भी थ्री है वन प्लस टू भी थ्री है वन प्लस वन प्लस वन भी थ्री है और थ्री प्लस जीरो भी थ्री है इस पे आपने बहुत टाइम लगाना है बहुत मेहनत करनी है और बच्चों को कम, अस, कम 3 से कम थ्री से ट्वेंटी तक के नंबर्स की कंपोजिशन आनी चाहिए यानी उन्हें ट्वेंटी बनाने के पांच तरीक़े आने चाहिए वो पांच तरीकों से एडिशन करके आपको ट्वेंटी बना के बता सकें ठीक है और इसमें आप रिवर्स में भी जा सकते हैं वो सब्ट्रैक्शन के जरिए भी आपको ट्वेंटी बना के बता सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऐड हो जाएंगे यहाँ पे और वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के होंगे वर्ड प्रॉब्लम के साथ हमेशा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है या फिर कोई कहानी उसके गिर्द बनी हो और उस कहानी में से बच्चे जो हैं वो नंबर्स उठाकर और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कुछ सॉलिड शेप्स उन्होंने नर्सरी में किए थे यू कैन ऐड टू थ्री डी शेप्स ये वैसे एक्सटेंशन में लिखा होना चाहिए था कि थ्री डी शेप्स जो हैं वो उसकी भी एक्सटेंशन होती है टाइम का कॉन्सेप्ट और क्लॉक पर से टाइम को रीड करना जो है वो आपने बच्चों को सिखाना है लेकिन 15 15 मिनट्स यानी चार चीज़ें उन्हें आनी चाहिए यानी वो सवा दो ढाई पौने तीन और तीन को समझ सकें यानी 15 15 के हिसाब से और एक आसान सा ट्रिक ये है कि बच्चों को बताना चाहिए कि ये फ़ाइव का ग्रुप है तो हर दफ़ा फ़ाइव का ग्रुप जब चेंज होता है तो आपकी सुई जो है वो आगे बढ़ जाती है इसी तरह मनी का कॉन्सेप्ट फेक मनी सबसे आसान है इसके लिए कॉइन्स और मनी और नोट्स जो हैं उसके ऊपर आप सिखा सकते हैं और इसी में आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी बच्चों को सिखानी है अच्छा एक और चीज़ जो बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है बच्चों के लिए वो इसका रिवर्स है जो वर्ड प्रॉब्लम्स उन्होंने किए हैं इसका रिवर्स जैसे मैं उनको क्वेश्चन दे देती हूँ फोर प्लस वन और मैं उनसे कहूँ कि वो इसके लिए स्टेटमेंट लिखें वो कहानी लिखें फोर प्लस वन को बताने के लिए वो अपना खुद से वर्ड प्रॉब्लम बनाएं तो ये आप रिवर्स कर रहे हैं इस प्रोसेस को लेकिन एक्चुअली ये अंडरस्टैंडिंग को शो करेगा कि वो किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स को समझते हैं तो ये कॉन्सेप्ट जो है दीज़ आर द न्यू कॉन्सेप्ट जो आपने ज़रूर के uh, जी में करवाने हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट के एक्सटेंशन भले आप जितनी भी करवा लें और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराएँ, जितना ज़्यादा काम करवाएँ, इन कॉन्सेप्ट में एक्सटेंशन में दैट इज़ बेनिफिशियल। लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट कराते वक्त प्लीज़ इसमें कंपोजिशन ऑफ नंबर्स इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम और उसका रिवर्स यानी खुद से वर्ड प्रॉब्लम लिखना और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना दीज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और मल्टीप्लिकेशन टेबल्स जो हैं टू और थ्री का आप करा लें लेकिन ग्रुप्स में कराइए अब मैं आपको बुक पर से दिखाती हूँ देखिए ये जो मैं आपसे कह रही थी आ, कि एक्सटेंशन करनी है आपने तो देखिए लुक एट द पिक्चर्स बिलो सर्किट सर्कल द लॉन्गेस्ट शेप इन ईच रो अब चार के कम्पेरिजन में आ गया दो दो में नहीं आया और उन्हें हर रो में जो सबसे लंबा है उसको सर्कल करना है फिर देखिए जो टेबल्स में मैं आपको बता रही थी कि अगर आप ग्रुप की शक्ल में सिखाएंगे तो बच्चों के लिए समझना जो है वो आसान होगा सो टू टाइम्स वन इज़ टू यानी के दो बिस्किट्स आपने उनको ग्रुप में सिखा दिया और देखिए ये पिक्टोरली नीचे तक ट्वेंटी तक सारा जो है वो ग्रुप में सिखाया जा रहा है इसी तरह आप देखें कंपोजिशन ऑफ नंबर्स जो मैं आपसे कह रही हूँ ड्रॉ द सेट्स एंड कम्प्लीट द स्टेटमेंट्स कम्पोजिशन ऑफ फाइव तो वन एंड फोर इज़ इक्ल टू फाइव फोर एंड वन इज़ इक्ल टू फाइव टू एंड थ्री इज़ ईक्ल टू फाइव थ्री एंड टू इज़ ईक टू फाइव मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बार बार जो है आपने इसी तरह से बच्चों को नंबर्स की कम्पोजिशन सिखानी है यहाँ पर देखिए जो मैंने आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स का जिक्र किया था और कहा था कि उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और वो एक स्टोरी की शक्ल में होने चाहिए तो ये देखिए ये पूरी एक स्टोरी है अब ये ऑड एंड इवन नंबर्स के कॉन्सेप्ट के लिए है स्टोरी लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए भी इसी तरह की स्टोरी चलती है अली एंड असद आर टू फ्रेंड्स दे आर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल दे फाउंड टू एप्पल्स व्हिच फेल फ्रॉम दी एप्पल ट्री बोथ ऑफ देम हैड वन ईच देखिए दो और दो यानी इवन नंबर्स they went ahead and found two rabbits and, uh, and started chasing them Though rabbits none dekhe unko chase uske baad kya then they saw three butterflies they caught them and want to take them home but if each one of them had one one was still left उन्होंने तीन देखी बटरफ्लाइज उनको वो घर ले जाना चाहते थे लेकिन अगर हर कोई एक एक ले लेता तो फिर भी एक बच जाती यानी आपने ऑड का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए एक और बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन इवन और ऑड की तो इस तरह की पिक्टोरियल चीज़ें भी जो हैं वो बच्चों के जहन में छोड़ देती हैं एक आइडिया और उनके लिए आसान हो जाता है इसको समझना अब ये देखिए मेकिंग ऑफ टेन एक बनाया हुआ है और बाकी सारा दिया हुआ है इसके साथ आप कौन सा नंबर लिखेंगे जिससे कि टेन बनेगा ठीक है यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि उससे टेन बनेगा अब ये माइनस करेंगे वो टेन में से वन को तो फिर उनके पास वो आंसर आएगा यानी माइनस और प्लस दोनों इकट्ठे हैं और आंसर को वेरीफाई करने के लिए फिर वो नाइन और वन को ऐड करके भी चेक कर सकते हैं यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो दोनों एक जगह दिए हुए हैं टाइम के कॉन्सेप्ट में देख लीजिए क्लॉक के फेसेस हैं और उस पर टाइम जो है वो बच्चों को सिखाया गया पहले वो यहाँ से सीख लें सबसे आसान वो एक क्लॉक होता है आ, केजी के जी के इक्विपमेंट में होता है उसकी सुइयाँ आप अपने हाथ से घुमा सकते हैं सामने टेबल पे रख के सुइयाँ घुमा के उसके ऊपर से आप बच्चों को टाइम का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और आपको मनी का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ ये देखिए कॉइन्स की तस्वीरें भी हैं और फिर उसके साथ इस पर्स में कितने पैसे हैं तो पाँच इसमें रुपए हैं और बाकी एक एक, एक रुपए अभी है तो वो ऐड करेंगे और लिखेंगे कि यहाँ पर कितने पैसे हैं तो मनी के कॉन्सेप्ट के लिए भी ये भी प्रैक्टिकली ज़्यादा होगा उसके बाद बुक पे अगर आप री की गरज से इसको किताब पे करवाना चाहें तो फिर आप आराम से इसको किताब पे करवा सकते हैं तो कुछ न्यू कॉन्सेप्ट बाकी सारे ओल्ड की एक्सटेंशन है और जितना ज़्यादा बच्चे मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ करेंगे एक चीज़ आपने बिल्कुल नहीं भूलनी और वो है मैंटल मैथ्स मैंटल मैथ्स को अपनी हर कोई भी कॉन्सेप्ट कराते वक्त उसमें मेंटल मैथ्स को ऐड कर दें चाहे वो टेबल्स हों एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो इवन एंड ऑड नंबर्स हों जो भी आप करा रहे हैं ऑर्डिनल्स करा रहे हैं मेंटल मैथ्स से हमेशा अपने मैथ्स का लेसन शुरू कीजिए फाइव मिनट्स के लिए मेंटल मैथ्स बच्चे एकदम से आ, उनका दिमाग चलने लगेगा वो तेज़ हो जाएंगे और बाक़ी उन्हें मैथ्स करने में बहुत आसानी होगी दिस इज़ दिस कवर्स अवर कोर सब्जेक्ट्स और इन अगली वीडियो में वी विल डू द इंटीग्रेटेड करिकुलम एंड देन हमारे प्री स्कूल का जो सेगमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा थैंक यू सो मच प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल लाइक शेयर एंड कॉमेंट थैंक यू